माय डियर स्टूडेंट्स, रेडिएंट एकेडमी वेलकम सी यू ऑल। हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 7 को, आंसर भी करेंगे और अंडरस्टैंड भी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो हमें जो है एक सर्कल को प्रिपेयर करना होगा, सर्कल पर ए बी डायमीटर को प्रिपेयर करना होगा, जहां पर बी पॉइंट के वर्टाइसेस हमें दिए गए हैं और डायमीटर जो है सीधी सी बात है सेंटर से पास होगा, तो सेंटर पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। हमें जो है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करना है। अब ये क्वेश्चन को अच्छे से हम सर्कल पर प्रेजेंट करते हैं, तो देखिए सर्कल जो है वो कुछ इस तरीके से आपको प्रिपेयर कर देना है, तो काफी आसान हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। देखिए ये है ए बी डायमीटर, जहां पर बी पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है 1, 4 और ओ पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -3 और ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उसे हमें डिटरमाइन करना है। अब जैसा हम जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो ऑलवेज सेंटर से पास होता है और सेंटर से पास होने के कारण जो ए से ओ का डिस्टेंस होगा वो ही डिस्टेंस ओ से बी का होगा, क्योंकि सेंटर से अगर हम यहाँ पर टच करें सर्कमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट को तो रेडियस होता है और ये पॉइंट भी रेडियस होता है, तो ये जो दोनों डिस्टेंसेस है वो क्या है सेम है, तो इसी बेसिस पर हमें रेशियो मिलता है। रेशियो क्या होगा 1:1, ये भी 1 यूनिट होगा ये भी 1 यूनिट होगा, तो m1:m2 = 1:1, तो हमारे पास रेशियो भी है और x और y की वैल्यू है, x1 y1 की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, x2 और y2 की वैल्यू भी हमारे पास है। तो यहां पर जो है हम सेक्शन फार्मूला को अप्लाई करेंगे, यहां पर जो है सेक्शन फार्मूला को अप्लाई करेंगे, तो देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला जो होता है यहां पर हम लिखते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपको परफेक्टली याद होना चाहिए, इस चैप्टर में दो ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला और एक है आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला से हमें क्या मिलता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिलता है, कौन से पॉइंट का, जो पॉइंट सेंटर पर हो जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता हो वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमें सेक्शन फॉर्मूला से मिलते हैं एक्स और वाई। सेक्शन फॉर्मूला देखिए क्या होता है, तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला जो है उसे हम अप्लाई करते हैं, बहुत ही आसान। m1x2 + m2x1 / m1 + m2 और ये होगा आपका m1y2 + m2y1 / m1 + m2, ठीक है, और इसी से हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं x, y। अब देखिए कौन सी वैल्यूज जो है हमारे पास अवेलेबल, m1 m2 अवेलेबल है, x और y भी अवेलेबल है, x1 y1 को हमें डिटरमाइन करना है, x2 y2 भी अवेलेबल है, जो वैल्यूज अवेलेबल है उसी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में इनपुट करते हैं। तो देखिए m1 की जगह पर हम जो है क्या रख देंगे, m1 जो है आपका 1, x2 की वैल्यू देखिए कितनी है 1, m2 की वैल्यू अगेन 1, x1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो as it is हम x1 लिख देंगे, m1 + m2 तो 1 + 1, m1 देखिए अगेन कितना है 1, y2 की वैल्यू है 4, m2 की वैल्यू है 1, y1 as it is हम लिख देंगे m1 + m2 तो 1 + 1, ठीक है। अब 1 + 1 जो है वो 1 हो जाएगा, 1 × x1 = x1, 1 + 1 = 2, यहाँ पर 4 × 1 = 4, 1 × y1 = y1 / 1 + 1 = 2, यहाँ पर जो है x, y as it is, और x, y की अगर हम x और y की वैल्यू लिख दें तो x की वैल्यू है 2 और y पर वैल्यू है आपकी -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर होगा, ये वैल्यूज के, और y कोऑर्डिनेट जो है वो ये वाली वैल्यूज के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम जो है कुछ इस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहां पर लिखा जाएगा therefore 1 + x1 / 2 = 2, तो x1 की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, 1 + x1 as it is = 2 / 2 हो जाएगा,
ये 2 यहां पर डिवीजन से हटकर जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाएगा तो इसकी साइन चेंज, डिवीजन से ये मल्टीप्लिकेशन पर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स वन एज इट इज, 2 इंटू 2 जो है वो हो जाएगा आपका 4, एक्स वन जो है वो एज इट इज 4 एज इट इज, प्लस 1 जो है वो आ जाएगा राइट हैंड साइड पर तो हो जाएगा माइनस 1, क्योंकि हमें x1 को डिटरमाइन करना है इसीलिए x1 को अकेला करना होगा, तो प्लस 1 जो है वो हो जाता है माइनस 1, तो x1 की वैल्यू हमें मिलती है 3। अब उसी तरीके से देखिए y कोऑर्डिनेट पर क्या होगा, 4 प्लस y1 अपॉन 2 किसके बराबर होगा, माइनस 3 के बराबर होगा, उसके बाद जो है 4 प्लस y1 equals minus 3, 2 जो division से multiplication में आ जाएगा, 4 plus y1 equals minus 3 multiplied by 2, तो ये हो जाएगा minus 6, अब देखिए y1 जो है वो as it is अपनी जगह पर, minus 6 अपनी जगह पर, plus 4 अपनी side change करेगा तो हो जाएगा minus 4, y1 की value हमें मिलती है minus 6, minus 4, minus, minus plus होता है, 6 plus 4 होगा 10, बड़े नंबर की साइन माइनस है तो आंसर बनेगा आपका माइनस 10, तो y1 पर जो आपको आंसर मिल रहा है वो है आपका माइनस 10, तो देखिए x जो पॉइंट x1 जो है आपको मिल रहा है वो है x1 equals 3 और y1 जो आपको मिल रहा है वो है माइनस 10, देखिए अब जो है हम आंसर लिख सकते हैं, therefore the coordinates of A, the coordinates of A are 3, minus 10। ये आसान से क्वेश्चन का बड़े ही आसानी से हमने आंसर कर दिया है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए और फॉर्मूला पे कौन सी वैल्यू का क्या होती है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो बहुत ही इजीली आप आंसर कर दोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।